दिल्ली में पानी कितना दिस इज नॉट द वे ऑफ थ्रेटनिंग द चेयरमैन एंड देन मेकिंग एलिगेशन एंड गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी आई विल नेवर नेवर गिव अपॉर्चुनिटी लाइक दिस नेवर गिव अपॉर्चुनिटी यू हैव बीन टोटली अनफेयर विद ऑल योर एक्सपीरियंस प्लीज सिट डाउन बैठ जाइए विजय गोयल सर वो टाइम स्टार्ट कर दीजिए सर वायु प्रदूषण के बाद दिल्ली में हम सबकी चिंता जल प्रदूषण है दिल्ली में पानी कितना दूषित गंदा जहरीला है इस पर बहस हो सकती है पर हम ये सब कुछ पर सर मैंने कुछ नहीं कहा इनके बारे में आपको रिप्लाई नहीं देना सर ये गलत बात आपको रिप्लाई नहीं देना आपको रिप्लाई नहीं देना प्लीज बैठ जाइए बोलना देना तो मत बोल दीजिए आपको आप ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहे आप लोग अपना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड आई एम टेलिंग यू प्लीज नो आई एम नोटिंग डाउन ऑल दोज नेम्स हु आर डिफाइंग द चेयर एंड अप्रोप्रिएट कोर्स विल बी टेकन सर मैंने दिस इज नॉट गोइंग इधर इन द कुछ नहीं कहा मैंने कुछ भी नहीं बोला सर दिल्ली में हम सबकी चिंता पानी है दिल्ली में पानी कितना दूषित गंदा जहरीला है इस पर बहस हो सकती है पर हम सब जानते हैं कि हम खुद सब लोग बॉटल्ड या आरओ का पानी पी रहे हैं मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य रखता हूं जो मेरे नहीं है सरकारी हैं दिल्ली को हर रोज 3800 मिलियन लीटर पानी चाहिए होता है ये दिल्ली की जरूरत है पर आधी दिल्ली टैंकरों और ग्राउंड बोरिंग से पानी पी रही है दिल्ली में ट्रांसमिशन में 40% पानी बर्बाद हो जाता है दूसरे देशों में ये मैक्सिमम सिर्फ 15% है इसका कारण लीकेज और चोरी है दिल्ली में मुश्किल से 70% एरिया में पाइपलाइंस हैं 25% एरिया में एक चौथाई में पाइपलाइन ही नहीं है आधे से ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइपलाइन अभी डली नहीं है आपको हैरानी होगी अध्यक्ष जी 21 लाख मीटर है इनमें से एक लाख मीटर खराब है अध्यक्ष महोदय बोरिंग बैन है पर सरकार खुद जगह जगह पर बोरिंग कर रही है You can't use your lung power. वाटर है already lungs are suffering on account of air pollution. संरक्षण पे हम काम नहीं कर रहे हैं यमुना में 60% गंदा पानी जा रहा है गिर रहे हैं डोंट प्रोवोक मी फर्दर दिल्ली की हवा में डोंट डोंट प्रोवोक ही हैज नॉट मेड एनी एलिगेशन अगेंस्ट एनीबॉडी सो फार कंज्यूमर मिनिस्ट्री के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के शोध में मिस्टर संजय सिंह प्लीज सिट डाउन का सर्वेक्षण किया गया You don't even have. आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अभी 28 में से 19 मानक जो हैं खराब निकले हैं मैं ये चाहता हूं अभी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कहा था एक अधिकारी केंद्र सरकार का हो जाए एक दिल्ली का अधिकारी हो जाए घर घर में से सैंपल उठा लीजिए और उसके बाद तय कर लीजिए अध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज एयर प्यूरीफायर की बिक्री से पता लग जाएगा वायु में कितना प्रदूषण है आरओ बॉटल्ड वाटर और आरओ से पता लग जाएगा कि पानी कितना गंदा है आज लाखों लोग पानी का टैंकरों का बंदा डॉक्टर बंदा प्रकाश विजय गोयल प्लीज मिस्टर विजय गोयल माइक ऑफ Sir, thank you. I would like to tell Banda Prakash 1 minute. I would like to tell Mr. Vijay Goyal. I have gone through the records yesterday, and through not only Vijay Goyal, I am also telling to other members also that any display of any article, whether it is air purifier or water bottle or in mask or anything, is totally unauthorized, not allowed in this house. And sometimes when you do it, others object. When they do it, you object. I object to all. Anybody bringing anything to the house is not allowed as per the rules. Please. And then bringing pressure on the deputy chairman. Once the chairman or deputy chairman also is chairman and he sits in this chair. Panel chairman also chairman when they sit in the chair. They have all the powers of the chairman as far as the conduction of the house is concerned. Please bear with me. We are house of elders.
Just now we have observed the 250th sessions, this thing. And being that case, every day if I have to argue like this and then I have to raise and then, it's just not good. Please bear with me, follow the rules